नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई वीडियो। दोस्तों मैं जिस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला दोस्तों जो जय भारत मारुति लिमिटेड कंपनी दोस्तों जो JBM ग्रुप लिमिटेड कंपनी उस कंपनी दोस्तों जो है कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो उसी कैंपस प्लस फंड के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों मैं इस कैंपस प्लस फंड के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। और जो दोस्तों इस कैंपस प्लस फंड में भाग ले सकते हो 10th 12th ITI पास आउट स्टूडेंट दोस्तों इस कैंपस प्लस फंड में भाग लेकर दोस्तों जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों 10th 12th ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए दोस्तों। और दोस्तों इस कंपनी में जो अभी आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों वो 16,500 रुपये पर मंथ आपको दोस्तों सैलरी दिया जाएगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ जो भी आपको बेनिफिट्स होगा दोस्तों वो बेनिफिट्स भी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। इस कंपनी में जो दोस्तों आपका आयु सीमा रखा गया दोस्तों वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा रखा गया, जिनका दोस्तों 18 से 35 वर्ष तक है दोस्तों वो दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन भी अच्छा रखा गया, सैलरी भी अच्छा आपको दिया जा रहा है, एज लिमिट भी दोस्तों आपको अच्छा दिया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे कैंपस प्लेसमेंट को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका ना ही कोई परीक्षा होने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला दोस्तों, डायरेक्ट आपका इसमें दोस्तों सिलेक्शन होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दोस्तों मैं बाकी सारा कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों मैं कंपनी के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, क्या नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जय भारत मारुति लिमिटेड कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों वो दोस्तों इलेक्ट्रिक बस ये मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी बड़ी दोस्तों बसें मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों, इंडिया में छोड़कर दोस्तों और भी दोस्तों 10 देशों में ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका 10 देशों में कुल मिला के दोस्तों जो है 25 फैक्ट्री है। तो 25 फैक्ट्रियों में दोस्तों ये बसों की उत्पादन करती है दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 10 देशों में इलेक्ट्रिक बसें बनाना का मतलब अच्छी कंपनी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 1-2 देशों में है या सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर भी है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आप लोग जाए दोस्तों इस कैंपस में भाग लीजिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिलहाल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आप लोग कैंपस में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग जय भारत मारुति लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया और ये जो कंपनी दोस्तों गुजरात में है, तो आप लोग जब लोकेशन भी गुजरात में दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अवार्ड कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, JBM ग्रुप जो $2.2 बिलियन का दोस्तों ये अभी बन चुके दोस्तों, जिसका संचालन दुनिया भर में दोस्तों 10 देशों में दोस्तों इसकी कंपनी चलती है। 25 से अधिक स्थानों पर इसका दोस्तों कंपनी है। हम प्रमुख ऑटो सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहन और बसों की दुनिया में अग्रह निर्माता में से है दोस्तों। तो ये जो कंपनी है ये आप देखे होंगे दोस्तों, JBM का बस आप देखे होंगे, बहुत सारी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बस है दोस्तों, पेट्रोल डीजल का भी बस है, ऑटो भी मिलेगा दोस्तों इसका, बहुत सारा है दोस्तों। तो सब ये निर्माता करती है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर दोस्तों और भी दिया गया उसी के बारे में, आप अगर इसमें अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलो हम नीचे आपको बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया जाए दोस्तों 10th पास 12th पास और ITI पास आउट स्टूडेंट दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। जो ITI पास के लिए दोस्तों NCVT SCVT दोनों भाग ले सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट ITI से ITI की है या प्राइवेट ITI से ITI की है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दोनों इस कैंपस में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। जो ITI ट्रेड दिया गया है आप देख सकते हैं, फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर वाले भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो जो ट्रेड दिया गया उसको उसी ट्रेड के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, अदर ट्रेड वाले नहीं ले सकते दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा, उसके बाद ही कैंपस प्लेसमेंट में जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो और भी ट्रेड दिया गया है वो मैकेनिकल ट्रेड पास आउट कैंडिडेट भी दोस्तों इसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए दोस्तों। और जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष रखा गया दोस्तों, तो एज लिमिट बहुत ही अच्छा रखा गया, जिनका आज 18 से 35 वर्ष तक है वो दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जिनका 35 साल तक है दोस्तों उनको दोस्तों इस कैंपस प्लेसमेंट को मिस करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोगों को जाना चाहिए इस कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसमें जो दोस्तों इतना एज लिमिट नहीं रखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 23 या 24 साल रखा जाता है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं आपका जो जॉब प्रोफाइल इसमें दिया जाएगा वो मशीन ऑपरेटर और क्वालिटी असिस्टेंट में आपका दोस्तों इसमें दिया जाएगा। तो दो डिपार्टमेंट में आपको दिया जाएगा दोस्तों, किसी मशीन ऑपरेटर में दिया जाएगा या क्वालिटी जो चेक होता है दोस्तों उसमें आपको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाला अहमदाबाद गुजरात में आपको जॉब लोकेशन दिया जाएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो सैलरी इसमें जो आपको दिया जाएगा 16,500 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको 12 घंटा ड्यूटी करेंगे दोस्तों तब आपको ये सैलरी मिलेंगे दोस्तों। आप अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे में दोस्तों आपको कम सैलरी दिया जाता है दोस्तों। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों मैं आपको बता दूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 घंटा ही ड्यूटी करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं आप लोग सोच समझ के जाइएगा, वहाँ पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको 8 घंटा करवाएगा फिर दूसरे दिन 12 घंटा आपको करना पड़ेगा ज़्यादातर।
और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा और रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, ऑल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगे दोस्तों वो क्वालिफिकेशन का मार्कशीट आप लेके जाएगा, बैंक का पासबुक लेके जाएगा, फोटो चार कॉपी कलर वाला आप लेके जाएगा और इन सब डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी साथ में आप लेके जाएगा दोस्तों। उसके साथ जो दोस्तों वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाएगा ताकि वहाँ पर जनवत कोई दिक्कत ना हो। डेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का बात कर लेते हैं तो 25 नवंबर 2022 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। सुबह 9:30 बजे तक आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है आप देख सकते हैं, कैंपस इंटरव्यू एड्रेस एंड वेन्यू दिए गए, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लखनऊ में दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, तो आप लोग वहीं पर जाना पड़ेगा दोस्तों।